चिलर की रेफ्रिजरेशन साइकिल में कंडेंसर में रेफ्रिजरेंट हीट रिजेक्ट करता है और चेंज होता है वेपर स्टेट से लिक्विड स्टेट में। लिक्विड स्टेट में जो रेफ्रिजरेंट है वो इवेपोरेटर की तरफ बढ़ता है, बट यहाँ पर जो एक्सपेंशन वाल है इवेपोरेटर में जाने से पहले लिक्विड रेफ्रिजरेंट की मात्रा या क्वांटिटी को कंट्रोल करता है। अब ऐसा क्यों, समझते हैं। इवेपोरेटर के अंदर जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो इनडायरेक्टली कॉन्टैक्ट में होता है सेकेंडरी फ्लूड के, सेकेंडरी फ्लूड वाटर या ब्रैन कुछ भी हो सकता है, और ये दोनों आपस में हीट एक्सचेंज करते हैं। जो सेकेंडरी फ्लूड की जो गर्मी है वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट लेता है, और लिक्विड रेफ्रिजरेंट की जो ठंडक है वो सेकेंडरी फ्लूड को मिलती है, जिससे कि जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो बॉयल अप होके या इवेपोरेट होके फिर से वेपर स्टेट में आ जाता है और जाता है कंप्रेसर की तरफ। ये होना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर लिक्विड रेफ्रिजरेंट बिना बॉयल अप हुए या कुछ मात्रा लिक्विड रेफ्रिजरेंट की कंप्रेसर में जाएगी तो कंप्रेसर को डैमेज पहुंच सकता है, क्योंकि कंप्रेसर इस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं कि वो वेपर को कंप्रेस करें ना कि लिक्विड रेफ्रिजरेंट को। इन्हीं सारी प्रोसेस के बीच में एक और कॉन्सेप्ट आता है सुपर हीट का, जहाँ पर लिक्विड रेफ्रिजरेंट प्रॉपर तरीके से वेपर स्टेट में चेंज होता है और आगे बढ़ता है कंप्रेसर की तरफ। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम जानेंगे इलेक्ट्रिक एक्सपेंशन वाल्व के बारे में, और साथ ही साथ देखेंगे जो सुपर हीट कंट्रोलर होता है वो किस तरीके से आपस में कनेक्ट रहते हैं ये दोनों डिवाइसेस। चिलर पे देखेंगे किस पॉइंट पे इनको इंस्टॉल किया जाता है, और इनका जो अंदर का मैकेनिज्म है या इलेक्ट्रिक वायरिंग है वो किस तरीके की है, सब कुछ डिटेल में जानेंगे इलेक्ट्रिक एक्सपेंशन वाल्व और सुपर हीट कंट्रोलर के बारे में। चिलर पे किस जगह पे इंस्टॉल होता है एक्सपेंशन वाल्व, यहाँ पर हम समझ लेते हैं या देख लेते हैं। तो नीचे की तरफ आपको एक कंडेंसर देखने को मिलता है, कंडेंसर से जो लाइन निकली हुई है बाहर को, जो कि आप ये सामने देख पाएंगे, ये जो पाइप बाहर निकल रहा है यहाँ से जो रेफ्रिजरेंट है वो लिक्विड स्टेट में चेंज होके इस फिल्टर ड्रायर कोर से बढ़ता है आगे एक्सपेंशन वाल की तरफ। एक्सपेंशन वाल से जो मात्रा या क्वांटिटी है वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट की कंट्रोल करी जाती है, और वो जाती है आगे आपके इवेपोरेटर की तरफ। ये जो आपको ब्लैक कलर की कोटिंग में जितना भी ये पार्ट देखने को मिल रहा है ये आपका इवेपोरेटर है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिला होगा कंडेंसर के बाद एक्सपेंशन वाल लगा होता है, इवेपोरेटर से पहले एक्सपेंशन वाल होता है। इलेक्ट्रिक एक्सपेंशन वाल का जो इंटरनल मैकेनिज्म है उसको समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी के बाद आप समझ पाएंगे कि ये किस तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ पर एक इमेज के थ्रू समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा चिलर पे ऑन ग्राउंड पे कि वो किस तरीके से रन करता है। तो यहाँ पर नंबरिंग दी गई है हर एक पार्ट को, तो सबसे ऊपर से स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट है इसका नंबर एक M12 कनेक्टर, जो कि मेन कंट्रोलर से कनेक्ट होता है। इसके अंदर एक कॉइल होती है जो कि इस पेंडल को अप एंड डाउन मूव कराती है, बैक एंड फोर्थ। और बैक एंड फोर्थ मोशन के साथ इसमें सबसे नीचे के पोर्शन पे जहाँ से रेफ्रिजरेंट का फ्लो रहता है वहाँ पर एक आपको पिस्टन देखने को मिलता है, जिसको आप वाल पिस्टन कहते हैं, वो ऊपर नीचे जाता है जिससे कि रेफ्रिजरेंट के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। नंबर दो पे आपको ग्लास शील्ड देखने को मिलती है जो इसको एक पैकेजिंग देती है। नंबर तीन पे आपको एक AST मोटर हाउसिंग देखने को मिलती है। इस हाउसिंग के अंदर आपको एक मोटर देखने को मिलेगी, इसी मोटर की मदद से जो स्पैंडल है वो अप एंड डाउन मूव करेगा। चार नंबर पे एक स्टेपर मोटर है, पाँच नंबर पे एक बैरिंग है, और उसके बाद छः नंबर पे आपको स्पैंडल देखने को मिलता है, यही स्पैंडल अप एंड डाउन मोशन करवाता है उस वाल्व को। सेवन पे एक टॉप नट है, एट नंबर पे वाल्व पिस्टन है, और उसके बाद नौ नंबर पे साइड ग्लास विद इंडिकेटर देखने को मिलता है। साइड ग्लास में क्या होता है, वहाँ पर आप रेफ्रिजरेंट की जो रेफ्रिजरेंट होता है उसमें मॉइस्चर देख सकते हैं या जो ड्राई कंडीशन है उसको देख सकते हैं। दसवें नंबर पे वाल्व शीट है, और ग्यारहवें नंबर पे आपको एक वाल्व कोन देखने को मिलता है। तो कुछ इस तरीके का एक मैकेनिज्म रहता है एक एक्सपेंशन वाल का। चिलर के पाइप के डिज़ाइन या स्ट्रक्चर के चेंज होने पर एक्सपेंशन वाल की पोजीशनिंग और एंगल भी चेंज हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, या कैपेसिटी और रेफ्रिजरेंट के हिसाब से भी आप मॉडल चेंज कर सकते हैं एक्सपेंशन वाल का। यहाँ पर आपको दो मॉडल देखने को मिलते हैं, एक 12.5 और एक 25 ETS, जहाँ पर पाइप का स्ट्रक्चर आपको स्ट्रेट और एंगल वे दोनों देखने को मिलता है। स्ट्रेट में सीधा पाइप है, जबकि एंगल वे में आपको 90 डिग्री का एक एंगल देखने को मिलता है। यहाँ पर जो पाइप का कनेक्शन है वो स्ट्रेट है, बट यहाँ पर जो मॉडल है वो है ETS 50 and 100। एक्सपेंशन वाल का जो इंटरनल पोर्शन दिखाया था, तो उसके सबसे ऊपर मैंने M12 का एक कनेक्शन दिखाया था आपको, तो वो आता है आपका सुपर हीट कंट्रोलर से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो कनेक्शंस किस तरीके के होते हैं। तो एक स्टेपर मोटर होती है जिसके अंदर आपको कॉइल देखने को मिलती है जो कि इस पेंडल को बैक एंड फोर्थ मूव कराती है। तो यहाँ पर वो चार वायर हैं, रेड ग्रीन वाइट ब्लैक, जो कि कुछ इस तरीके से M12 कनेक्शंस के थ्रू
कनेक्ट होती है आपके एक्सपेंशन वाल पे। Danfoss टाइप ETS 250 इलेक्ट्रिक एक्सपेंशन वाल, ये एक पूरी असेंबली है जो कि ब्रेज हो जाती है चिलर के ऊपर और फिर रनिंग कंडीशन में। तो इसी के थ्रू आगे जितना भी प्रैक्टिकल वाला पोर्शन है वो देखेंगे कि किस तरीके से ये रन होता है चिलर के अंदर और जो इसका वाल पिस्टन है वो कैसे आगे पीछे घूमता है। साइड पे आपको एक इंडिकेटर देखने को मिलता है रेफ्रिजरेंट की जो कंडीशन होती है वेट या ड्राई, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऊपर की तरफ ये स्टेपर मोटर वाला पार्ट है और सबसे ऊपर M12 वाले कनेक्शन कनेक्ट होता है जो कि इसको सप्लाई देता है, जो इसका पिस्टन है उसको आगे पीछे मूव कराता है। तो कुछ इस तरीके से ये असेंबली से बाहर निकल सकता है और ये जो बाहर निकला हुआ पोर्शन होगा यही एक्सपेंशन वाल है। नीचे की तरफ आपको जो येलो कलर वाला पोर्शन देखने को मिल रहा है जो सबसे नीचे है वो पिस्टन है जो कि आगे तरफ मूव होगा, आगे पीछे जो मूव होगा, और इसको मूव कराती है एक स्टेपर मोटर जो कि मैंने आपको बताया था। स्टेपर मोटर जस्ट इसी के ऊपर जो राउंड वाला पोर्शन है ऊपर मोटा वाला, सबसे जो मोटा वाला पोर्शन है ऊपर वहाँ पर स्टेपर मोटर होती है और ये इस तरीके से घूमता है। जो जितना पोर्शन घूम रहा है ना यही ऊपर और नीचे जाता है, बैक एंड फोर्थ जाता है। और ये है वो असेंबली जिसके अंदर आपका एक्सपेंशन वाल आसानी से फिट हो जाता है और एक गेट की तरह काम करता है। यहाँ से अगर एक साइड से इंटर करेगा रेफ्रिजरेंट तो दूसरी साइड से उसी हिसाब से निकलेगा जितना आपके इवेपोरेटर में लिक्विड रेफ्रिजरेंट जाना चाहिए, जिससे कि जो वेपर है, जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है, वो प्रॉपर वेपर में कन्वर्ट हो पाए। Danfoss टाइप EKD 316 सुपर हीट कंट्रोलर, इसको हम देखेंगे कि चिलर पे किस तरीके से इसको इंस्टॉल किया जाता है। और ये एक सुपर हीट कंट्रोलर है, जैसे मैंने आपको बताया चिलर के अंदर एक सुपर हीट कॉन्सेप्ट होता है जहाँ पर ये ध्यान रखा जाता है जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो पूरी तरीके से वेपर स्टेट में चेंज होके कंप्रेसर की तरफ जाए, तो ये उसी को कंट्रोल करता है। तो इसके इलेक्ट्रिक डायग्राम को भी समझेंगे और इसके अंदर के मैकेनिज्म को भी समझाता हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है इसका जो इलेक्ट्रिक वायरिंग है एक्सपेंशन वाल के साथ। सुपर हीट कंट्रोलर का ये ड्राइंग स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जितने भी पोर्ट हैं वो किस तरीके से निकले हुए हैं यहाँ पर और किस पार्ट के लिए गए हुए हैं। तो इस सुपर हीट कंट्रोलर का जो कनेक्शंस रहता है मेन, वो एक तो मेन कंट्रोलिंग के साथ और दूसरा आपका इलेक्ट्रिक एक्सपेंशन वाल के थ्रू रहता है, क्योंकि ये दोनों डिवाइसेस मिलके ही जो सुपर हीट है उसको कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको नंबरिंग देखने को मिलेगी 1 से लेकर 13 तक और नीचे भी आपको नंबर देखने को मिलते हैं 14 से 22 तक। तो इन सारे पोर्ट्स या जितने भी ये नंबर्स हैं इनको एक एक करके समझते हैं कि यहाँ से जो कनेक्शंस हैं वो कहाँ गए हैं और किस चीज़ के लिए गए हुए हैं या इस डिवाइस में आए हैं तो किस के थ्रू आए हुए हैं। सुपर हीट कंट्रोलर में दो टाइप के आपको कनेक्शन देखने को मिलते हैं, एक होता है आपका एप्लीकेशन बेस्ड और दूसरा होता है नेसेसरी कनेक्शंस। एप्लीकेशन बेस्ड डिपेंड करते हैं अलग अलग एप्लीकेशंस पे, जबकि नेसेसरी कनेक्शंस आपको हर एक सुपर हीट कंट्रोलर में देखने को मिलते हैं और ये इंपॉर्टेंट होते हैं और नेसेसरी भी। तो चलिए पहले नेसेसरी कनेक्शंस देख लेते हैं। टर्मिनल 1 एंड 2 सप्लाई वोल्टेज 24 वोल्ट AC या DC। तो सुपर हीट कंट्रोलर को इस पॉइंट पे या टर्मिनल पे सप्लाई दी जाती है। इस सप्लाई वोल्टेज को जाने पे, मान लीजिए सप्लाई वोल्टेज चली गई है, तब कौन ETS को क्लोज करेगा? तो इसके लिए एडिशनल में बैटरी के कनेक्शन दिए जाते हैं जो कि 3 और 4 नंबर पे कनेक्ट होते हैं। बैटरी द वोल्टेज विल क्लोज द ETS वाल्व इफ़ द कंट्रोलर लूजेज इट्स सप्लाई वोल्टेज। अगर सप्लाई वोल्टेज चली जाती है तो ये बैटरी उसको क्लोज करने का काम करती है एक्सपेंशन वाल्व के पिस्टन को। 5 से लेकर 8 तक, यानी कि 5, 6, 7, 8 स्टेपर मोटर के लिए, यानी कि एक्सपेंशन वाल के लिए जो ऊपर का मैंने पॉइंट दिखाया था जहाँ पर 4 वायर कनेक्ट होती हैं, वो ये है, ये कनेक्शंस हैं जो कि जाएंगे एक्सपेंशन वाल पे और स्टेपर मोटर को रन करेंगे, जो कॉइल है उसको रन कराते हैं। उसके बाद 9 से 13 तक जो कनेक्शंस हैं वो कम्युनिकेशन के लिए हैं। अगर आप एक्सटर्नल जो कनेक्शंस होते हैं कम्युनिकेशन करना चाहते हैं वो इन कनेक्शंस के थ्रू होगा। 20 से लेकर 21 पे आपका एक स्विच लगा रहता है स्टार्ट स्टॉप करने के लिए, अगर यहाँ पर स्विच नहीं है तो 20 और 21 को आपस में शॉर्ट कर दिया जाता है। दूसरे टाइप के कनेक्शंस होते हैं एप्लीकेशन डिपेंडेंट कनेक्शंस, ये डिपेंड करते हैं एप्लीकेशंस पर। सुपर हीट कंट्रोलर के साथ अगर कोई अदर डिवाइस कनेक्ट होती है तो ये उस पर डिपेंड करते हैं। इससे पहले वाले नेसेसरी कनेक्शंस थे वो हर एक सुपर हीट कंट्रोलर में आपको देखने को मिलेंगे, अगर वो नहीं होंगे तो सुपर हीट कंट्रोलर अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा। तो चलिए इनको एक एक करके देख लेते हैं। तो पहला है सुपर हीट कंट्रोलर, 14 से 15 तक आपको देखने को मिलता है PT1000 सेंसर एट इवेपोरेटर आउटलेट। इवेपोरेटर के आउटलेट पे एक सेंसर लगाया जाता है जो कि सेंस करता है इवेपोरेटर के टेम्परेचर को। उसके बाद 15 से 16 पे आपका जो
एक और सेंसर लगाया जाता है मेजरिंग एयर टेम्परेचर। ये एयर के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए लगाया जाता है, जो कि 15 और 16 पे कनेक्ट होता है। 14 15 पे जो सेंसर मैंने आपको बताया इवेपोरेटर के लिए, वो उसके टेम्परेचर, पानी का जो टेम्परेचर है उसको नापता है या मेजर करता है। 17 से 19 तक एक प्रेशर ट्रांसमीटर लगाया जाता है, यहाँ पर जो टाइप AKS-32R देखने को मिल रहा है, ये एक मॉडल नंबर है डैनफोस का ट्रांसमीटर का। उसके नीचे कंट्रोल ऑफ द वाल्व्स ओपनिंग डिग्री विद एनालॉग सिग्नल। 21 से 22 पे आपको करंट सिग्नल और वोल्टेज सिग्नल फ्रॉम अदर रेगुलेशन 21 22 पे देखने को मिलते हैं। 24 से 26 पे एक अलार्म रिले आपको देखने को मिलती है, देयर इज कनेक्शन बिटवीन 24 and 26 इन अलार्म सिचुएशन। ये पूरा पार्ट कंट्रोलिंग वाला है चिलर का। यहाँ पर ही आपका कनेक्ट होता है एक सुपर हीट कंट्रोलर। अब वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ सुपर हीट कंट्रोलर क्या होता है, कैसे होता है। वैसे तो हमने देख लिया है सब कुछ, फिर भी यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो एक मैग्नम है या PCB है जहाँ पर आपके रिले कनेक्ट होते हैं, सेंसर जितने भी हैं वो सब यहाँ पर आके कनेक्ट होते हैं। मतलब एक पावर हाउस या मेन पॉइंट यही है जिसके थ्रू जो प्रेशर ट्रांसमीटर हैं या जो टेम्परेचर जो सेंसर्स होते हैं वो सब इनके थ्रू ही रन होते हैं। तो ये रहा आपका वो टाइप EKD-316 सुपर हीट कंट्रोलर। तो यहाँ पर मैंने इससे पहले आपको कनेक्शन समझा रखे हैं कि किस तरीके के कनेक्शंस कहाँ को निकले हुए हैं। तो ऊपर की तरफ मैंने जो 5, 6, 7, 8 जो कनेक्शन दिखाए थे जो स्टेपर मोटर के लिए गए थे या एक्सपेंशन वाल के लिए गए थे, वो ये रहे ऊपर 4, आप देख सकते हैं आसानी से इनको। इन्हीं के बगल में या इनके नीचे जो है वहाँ पर आपको 22 और 21 कनेक्शन देखने को मिलता है। सबसे ऊपर की तरफ एक नंबर और दो नंबर भी आपको देखने को मिल रहा है जो कि इसको सप्लाई वोल्टेज देता है, और ये वो नेसेसरी कनेक्शंस हैं। मैंने आपको बताया था नेसेसरी कनेक्शंस और एप्लीकेशन डिपेंडेंट कनेक्शंस। नेसेसरी कनेक्शंस हर किसी में देखने को मिलते हैं, चाहे वो एप्लीकेशन डिपेंडेंट हो या नेसेसरी या कोई नॉर्मल सुपर हीट कंट्रोलर हो। तो कुछ इस तरीके के ये कनेक्शंस हैं। यहाँ पर एक्सटेंशन रेफरेंसेस के लिए आपको 21 और 22 कनेक्शंस भी देखने को मिल रहे हैं, ये वाला वायर जो है। तो ये कुछ इस तरीके के कनेक्शंस हैं सुपर हीट कंट्रोलर के। तो चलिए अब देख लेते हैं कि एक्सपेंशन वाल को किस तरीके से निकाला जाता है या लगाया जाता है और किस तरीके से ये रन करता है। तो ये रहा एक एक्सपेंशन वाल जिसको हमने बाहर निकाल लिया, ऑयल भी बाहर निकल रहा है क्योंकि ये चिलर रनिंग कंडीशन में था। तो यहाँ पर हमने रोक लिया है ऑयल को बाहर आने से और ये एक्सपेंशन वाल बाहर निकल चुका है। तो इसके ऊपर हम जल्दी से M12 का जो कनेक्शन है इसको कनेक्ट कर देंगे। मैंने बताया था इसी के थ्रू इसको सप्लाई मिलती है या जो कॉइल है इसकी स्टेपर मोटर की वो इसी कनेक्शन के थ्रू रन करेगी। इसके बाद जो आगे वाला पोर्शन है पिस्टन वाला पोर्शन आगे का, वो अप एंड डाउन मोशन करता है। तो कुछ इस तरीके से एक्सपेंशन वाल का वाल पिस्टन आगे पीछे मूव करता है और ये डिपेंड करता है सुपर हीट कंट्रोलर पे, क्योंकि सुपर हीटिंग रेफ्रिजरेंट की क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। इस वजह से सुपर हीट कंट्रोलर इसकी पोजीशन को कंट्रोल करता है जिससे कि जो रेफ्रिजरेंट की मात्रा है वो कम ज़्यादा होती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया लिक्विड रेफ्रिजरेंट बॉयल अप तभी होता है जब आगे हीट लोड होता है। अगर मान लीजिए ये ओपन कंडीशन में एक्सपेंशन वाल पूरी ओपन कंडीशन में है तो जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट वो जाएगा, बट अगर हीट लोड कम है तो ये जो मात्रा है वो आधी ही वेपर में कन्वर्ट हो पाएगी और बाकी लिक्विड में ही आगे बढ़ जाएगी। लिक्विड रेफ्रिजरेंट अगर कंप्रेसर में चले गया तो क्या होगा, कंप्रेसर को डैमेज पहुंचेगा। इसीलिए सुपर हीट कंट्रोलर और एक्सपेंशन वाल मिलके एक तो रेफ्रिजरेंट की मात्रा को कंट्रोल करते हैं और दूसरा सुपर हीट को भी कंट्रोल करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इलेक्ट्रिक एक्सपेंशन वाल के बारे में, काफ़ी डिटेल में मैंने यहाँ पर बता रखा है। अगर आपको नहीं आया समझ में तो दोबारा एक बार वीडियो ज़रूर देखिएगा। वीडियो आपको पसंद आता है, काम अच्छा लगता है मेरा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और नई वीडियोज़ देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, फ्री है बिल्कुल, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरीके की और इंटरेस्टिंग और नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।